सो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल वीडियो से 4K वीडियो बनाना चाहते हो वो भी रियल रिजल्ट के साथ, तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इजी है, यार कोई भी बंदा कर सकता है इस टाइप की एडिटिंग। दोस्तों आज के बाद जो भी आप नॉर्मल वीडियो को एडिट करोगे 101% दोस्तों उसकी क्वालिटी और रिजल्ट दोस्तों 4K की तरह आएगा। आज की वीडियो को बस कहीं पर भी मिस ना करें। जो स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब में भी कोई आपको नहीं बताएगा। सो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होने चाहिए कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल के कौन वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कुछ ऐसे फीचर होते हैं कैपकट में दोस्तों आपके पास नहीं आ रहे। तो सिंपल सा दोस्तों आपने क्या कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर जस्ट सर्च कर देना है जेक रोज। दोस्तों जैसे आप जेक रोज सर्च कर ले तो यहाँ पर आपका कैपकट का लेटेस्ट वर्जन आपके पास आ जाता है, कैपकट 8.5.0 अपडेट फॉर एंड्रॉइड। दोस्तों आपके पास अगर इससे भी लेटेस्ट आपको चाहिए दोस्तों लेटेस्ट वर्जन, तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें और अपना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें यहाँ से। तो सिंपल सा इसके बाद यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ से आपने कैपकट को ओपन कर देना है। प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है, वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें, आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए बनाई हुई है। सिंपल सा सबसे पहले आप एडिट पर आइए, जिस वीडियो को दोस्तों आप दोस्तों 4K में एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को सबसे पहले आप पिक कर ले। अब इस वीडियो को मैं पिक करने वाला हूँ, सिंपल सा मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। दोस्तों जो भी मटेरियल यूज में कर रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और jcrowz.com में भी दोस्तों आप जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये सिंपल सी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, आप लोगों को नजर आ रही है, जस्ट सिंपल सी वीडियो है दोस्तों, 4K में बिल्कुल नहीं है। सो अब इसको 4K में किस तरह बनाना है, जस्ट इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको एडजस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अब बहुत से दोस्तों के पास ग्राफ का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो दोस्तों जेक्रोज से डाउनलोड करें कैपकट, क्योंकि वहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन आपके मोबाइल के मिल जाएगा। सो जस्ट मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये सभी के सभी को यहाँ पर अपने उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमारी वीडियो का कुछ इस तरह पार्ट बन चुका है, अभी एक सिंपल सा पार्ट है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या कर देना है, इफेक्ट पे आपने आना है और इफेक्ट में आने के बाद सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आपने क्या कर देना है, वीडियो इफेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पर दोस्तों इफेक्ट आपके सारे आ चुके हैं। बहुत से दोस्तों के बाद ब्लर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर लेंस में आप आइए और लेंस में नीचे नीचे दोस्तों आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला ब्लर का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर ले। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा पूरी के पूरे वीडियो में दोस्तों ये इफेक्ट आपने अप्लाई कर देनी है। ये वीडियो पे इफेक्ट अप्लाई करने के बाद सिंपल सा इस वीडियो को आपने सेव कर देना है। आप 70 पे भी सेव कर सकते हो, 80 पे भी सेव कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं। सिंपल सा दोस्तों आप अपने क्या कर देना है, आपकी वीडियो तो सेव हो चुकी है, अब यहाँ पर आपने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपने आना है, जिस वीडियो को आपने पहले पिक किया था उसको पिक कर ले और यहाँ से इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद सिंपल सा दोस्तों ओवरले पे जाएंगे और ओवरले पे जाने के बाद उसी वीडियो को जो अभी हमने एडिट किया उसको यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब इसकी साइज को हम इसके साथ फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर ब्लेंड पे आएंगे और ब्लेंड के बटन पे आएंगे, ठीक है। बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा इसकी जो कैपेसिटी 225 पे रख देनी है अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत से दोस्तों के पास प्रॉब्लम आ रही थी तो सिंपल सा दोस्तों जो बैकग्राउंड में यूज़ करने वाला हूँ इस बैकग्राउंड को दोस्तों आप भी यूज़ कर ले। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर इसको फुल कर ले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वहाँ से लिंक आपको नहीं मिला तो वीडियो को देखते रहिए, आपने जस्ट गूगल पर जेक्रोज सर्च कर देना है, वहाँ से आपको ये वाइट बैकग्राउंड मिल जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मिला तो जेक्रोज पर आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है इसी बैकग्राउंड पे और यहाँ से अपने ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद ये वीडियो हमारी थोड़ी सी बन चुकी है अच्छी, और उसके बाद फिर से और एड ओवरले और इसी पिक को आपने फिर से कर लेना है मुकम्मल ब्लेंड ओवरले। तो इसी हिसाब से आपने कर देना है आराम आराम से, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 100% उसी तरह आएगा। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो का रिजल्ट देख सकते हो। अब आपने क्या कर देना है, सिंपल सा यहाँ पर अपने जो आपकी जो वीडियो है इस पर आना है और यहाँ पर फिर से एडजस्ट पे आना है, स्ट्रक्चर पे करना है, थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर काम कर देनी है और यहाँ से शार्पिन इसकी हाई कर देनी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप शेड को भी हाई थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इसको छोड़ लें। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस पर क्लिक कर लें और इसी तरह यहाँ पर एडजस्ट पे आ जाइए
यहाँ पर एडजस्ट पे आ जाइए और एडजस्ट पे क्लिक कर लें, शार्पन पे क्लिक कर लें, हाई कर लें शार्पन को, के बाद स्ट्रक्चर को आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंट्रास्ट को आप यहाँ से हिसाब से अपने कर सकते हो, यहाँ से जिस तरह आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो वाइट बैकग्राउंड हमने यूज़ किया था इन सभी में दोस्तों आपने एडजस्ट कर देना है, ताकि जो आपका वीडियो का रिजल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, इसी तरीके से आपने कर देना है शेड को पीछे की तरफ। दोस्तों आप अपनी पहली वीडियो का रिजल्ट और इसी वीडियो को दोस्तों आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, आपकी मुकम्मल वीडियो 4K में बन चुकी है। सिंपल सा वीडियो को सेव करने का तरीका बहुत ही ईजी है, आपने ऊपर के निशान पर क्लिक कर देना और आपने की वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों पसंद आई होगी, इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।